हेलो दगड़ियों, सुप्रभात। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में और देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। मेरा नाम है नरेंद्र नेगी और मेरे गांव का नाम है मल्लपुरा, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के सियाली ब्लॉग में स्थित खूबसूरत सा गांव है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दगड़ियों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के नाश्ते से, गेहूँ कोदा की रोटी घी के साथ और चाय और आलू के गुटके। तो आज 3 दिन के बाद धूप लगी है और हम कपड़े सुखा रहे हैं जो 3 दिन से धोए थे। और अभी का मौसम कुछ ऐसा है, नज़ारा बहुत खूबसूरत, चमचमाती हुई धूप हमारे देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में। ये मेरे घर से नज़ारा है। तो दोस्तों, आज तो बहुत तेज़ धूप लगी है और अभी तक मैंने बहुत काम किए तो मैं आप लोग को बता नहीं पाया क्या सीन है करके। और अभी ऐसा सीन है जो आप देख रहे हो, अभी 11 बज रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में है। आज कुछ इस तरीके का माहौल। तो दोस्तों, अभी दिन का लंच का टाइम है मेरा, तो आज लंच में है दाल भात, रायता, दही और टपकिया और मिर्च इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच मज़ेदार। तो मैं मिलता हूँ आपको सीधे बकरियों के साथ। तो दगड़ियों, अभी दिन के बज चुके हैं 2 और आज बहुत तेज धूप है, मैंने आपको बताया था। तो मैं और मेरी बकरियां पहुंच चुके हैं बटोड़ा पानी में, यानी कि बटोड़ा यहाँ का नाम है और पानी यहाँ रहता है तो उसको नाम बटोड़ा पानी जोड़ कर रख गया है। और गाय आगे चली गई है और मेरा टाइम हो गया आप कल्याण खाने का। ये सेब आरू मैं लाया हूँ और बाकी मैं अपने दोस्त को दिया है नीचे, उनके पास बैल है ना, तो बैल बकरियों के मुताबिक बहुत कम आते हैं ऊपर को, उनको हका के लाना पड़ता है। और मेरी बकरियां हैं तो बहुत तेज दौड़ के ऊपर जल्दी आ जाती हैं। ये देखिए कैसे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सीन है आज का। और तो मैंने अपनी बकरियों को आरू दिए और ऐसे खा रहे हैं, वो अच्छे तरीके से खा लेते हैं और फिर गुटली बाहर फेंक देते हैं। और इसने तो नहीं खाया, बड़ी बकरी ने लचिले। मेरी बकरी और मैं पहुंच चुके हैं बहुत दूर और मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ कि हम इन बकरियों के गले में घंटियां क्यों बांधते हैं। ऐसी बकरी को छांटते हैं जो सबसे समझदार और ईमानदार हो, जो अगर आगे जाए तो आराम से जाए और पीछे से आए तो सबको लेकर आए। तो ऐसी बकरी होती है, और अगर दूर रहे तो बुलाकर आ जाए, मतलब पास। तो ऐसी बकरी को हम इसलिए हम उनकी घंटी डालते हैं गले में तो अच्छा भी लगता है, वो टन 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 बजते रहते, पता चल जाता है कि बकरियां कहाँ है। जैसे हम कहीं पर बैठ गए और वो आगे चले गए और पता नहीं किस साइड को गए, तो घंटी की आवाज सुन के पता लग जाता है कि किस साइड को जा रहे हैं। तो ये बात है। और आज मैं अभी अकेला, कोई आया नहीं अभी ऊपर, नीचे ही है शायद आज। तो दगड़ियों, मैं और मेरी बकरियां पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर वाले ढहे में, टॉप में, और कोई तो पड़ भी गए हैं ये, क्योंकि इनको अब छक हो गई, यानी कि इनके पेट भर गए, अब इनको घर की तरफ लगाते हैं। और मैं आपको दिखाता रहूंगा क्या क्या होता है। तो फ्रेंड, अब हम जा रहे हैं घर को, सब लोग चले गए हैं। और आप जो ये मंदिर देखते हैं मेरे डेली ब्लॉग में, ये है हमारे गिरियान देवता जी का मंदिर ऊपर ढहे में। और जो मेरे ऊपर वाले घर के सामने है वो है भैरव देवता जी का मंदिर, देवभूमि उत्तराखंड है।
देवताओं का वास जहाँ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको अपने एक अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।